कांवड़ यात्रा के दौरान देखने को मिल रहे हैं नए नए रंग। पहले ज़्यादातर लोग कांवड़ को कंधों पर रखकर पैदल यात्रा किया करते थे, लेकिन समय के साथ अब कांवड़ यात्रा भी हाईटेक हो गई है और अब कुछ लोग कांवड़ मोटरसाइकिल के द्वारा ले जा रहे हैं तो कुछ लोग ग्रुप बनाकर भागकर कांवड़ ले जा रहे हैं तो कुछ लोग भारी भरकम पानी ले जा रहे हैं। इसके साथ हरिद्वार रोड पर बिजनौर एक्सप्रेस के कैमरे में एक अजीब नज़ारा भी कैद हुआ, जिसमें एक कांवड़ती की लेट कर यात्रा चल रही है। मालूम करने पर पता चला कि बिजनौर की सिवारा निवासी एक व्यक्ति जो कि हरिद्वार से लेट कर गंगा जल लेकर आ रहे हैं, लेट कर चलना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो कांवड़ यात्रा जो होती है वह भगवान के लिए होती है, पर मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ता है। आपको बता दें कि बिजनौर की सिवारा निवासी है ये कांवड़ती और इस ग्रुप में 4 से 5 लोग हैं जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। एक के हाथ में पंखा है और दूसरा गड्ढे को आगे बढ़ता है और वह जो एक गंगा जल लेकर आ रहे हैं वह उसके ऊपर लेट कर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये लोग गंगा जल लेकर हरिद्वार से अपने गांव जिला बिजनौर के सिवारा के आसपास जा रहे हैं। ये लोग 21 तारीख से हरिद्वार से चले हैं और आज 29 तारीख को सहारनपुर के आसपास पहुंचे हैं। पता करने पर इन्होंने बताया कि अभी कम से कम 6 से 7 दिन और लग जाएंगे। लगभग 120 किलोमीटर के आसपास इन लोगों को दूरी तय करनी है। लेट कर बहुत ही पीड़ादायक होती है, पर भगवान की भक्ति में ये लोग मस्त रहते हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग सिवारा में ही एक मंदिर पर अपना गंगा जल चढ़ाएंगे तब हमारी ये कांवड़ यात्रा पूर्ण हो जाएगी। इससे अलग रायपुर निवासी 2 और कांवड़ती देखे गए जो अपनी माता को पालकी में बिठाकर और एक साइड में 50 किलो जल लेकर चल रहे हैं। हरिद्वार से ये लोग अपनी माता को पालकी में बैठाकर दूसरी साइड में 50 किलो जल लेकर हरिद्वार से नगीना तहसील के रायपुर ये लोग जल व अपनी माता को पालकी में बैठाकर ले जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि हम लोग हरिद्वार से अपनी माता को पालकी में बैठाकर वह जल लेकर आ रहे हैं और हम लोगों को नगीना के रायपुर के पास गाँव में जाना है। लगभग ये लोग 60 से 65 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करेंगे और लगभग 1 क्विंटल वजन ये दोनों भाई अपने कंधे पर उठाकर हरिद्वार से रायपुर जा रहे हैं। सहारनपुर से नसीम अहमद की रिपोर्ट। नाम आपका? मनीष अश्रम। कहाँ? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? रायपुर सादात। रायपुर सादात। कहाँ से आ रहे आप लोग? हरिद्वार। तो ये जो अम्मा को आप बैठा कर ला रहे हो ये कहाँ से बैठा कर ला रहे आप लोग? हरिद्वार। और ये जो आप जल कितना जल है इसके अंदर? कितना जल है इसके अंदर? 1 क्विंटल वजन है। अच्छा, नहीं आपका जल का कितना वेट है? 50 किलो उसमें और 50 किलो अम्मा में। प्रिया वो अम्मा क्या लगती है आपकी? आपकी मम्मी है ये। तो आपको ऐसा क्या लगा कि इनको एक साइड में बैठा कर लोग बाग? मैंने देखा है कि अक्सर चार धाम की यात्रा कराते हैं आप लोग हरिद्वार से, एक साइड में जल एक साइड में अम्मा को। हाजी सुखी? अच्छा सुखी। आपके जो लड़के आपको लेकर आ रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? सबसे यही निवेदन है कि आप लोग सबको ऐसा करा जाए औरों को भी। बिल्कुल। और जो आजकल के लड़के हैं आजकल माँ बाप की सुनते नहीं है, वो लोग उनको अक्सर वृद्ध आश्रम भेज देते हैं और आपके बच्चे के आपको जल के साथ हरिद्वार चला रहे हैं, क्या कहना आपका इसमें? सभी को ऐसे ही करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटो मोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर, केवल 39,500 में 1 साल की वारंटी के साथ जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा। डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820077। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।